मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सर क्लियर आ रही है वॉइस। ओके बेटा, ओके, एक दो मिनट और वेट करते हैं। सर चैप्टर टू में 2.4 भी है, एक ऑप्शनल लिखा हुआ है, बट उसमें नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती बेटा, वो ओके जो सर। है ऑप्शनल है। मतलब अगर उसे हमें बहुत गहराई से चैप्टर करना है तो कर सकते हैं उसे। सीबीएसई में जो एनसीईआरटी का जो पेपर बनेगा तुम्हारा, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका। ओके उसे तो सर। एज ए एक्टिविटी करवा लेंगे हम, जब प्रोजेक्ट वगैरह देंगे उसके तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे। बेटा जो चैप्टर थ्री है हमारा, नाम है उसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी एक दो मिनट और इंतजार करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। देखो यहाँ वेरिएबल है हमारे एक्स और वाई। वेरिएबल्स की जो पावर आ रही है वो वन आ रही है। जब वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर वन हो तो हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं तो इसलिए इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन है मेरी, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर जी स्क्रीन बोल पर कुछ बेटा। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा? नहीं ना सर। एक मिनट चेक करता हूँ।
अब दिख रहा है बेटा? नो सर, व्हाइट स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही? नो सर नहीं आ रही, दिख ही नहीं रहा मेरी बेटा। सर इस पे लिखा, सर इस पे लिखा रहा यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन टू एवरीवन, स्टॉप प्रेजेंटिंग लिखा रहा। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं दिखाना बेटा। अब आ रहा है बेटा सर, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ जी सर, दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलो चलो, ओके ओके। देखिए बेटा, मैं बता रहा था चैप्टर थ्री हमारा बहुत आसान है। इसके अंदर हमें चैप्टर थ्री में एक्स और वाई निकालने के लिए चार तरीके पढ़ने हैं। एक तरीका हमें ग्राफिकली पढ़ना है, एक तरीका हमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, एक तरीका हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, एक तरीका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चारों तरीके से हमें एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है। और इक्वेशन कैसी दे रखी होगी हमें? दो इक्वेशन दे रखी होंगी और इक्वेशन होंगी लीनियर इक्वेशन होंगी दोनों की दोनों, और उनके अंदर टू वेरिएबल्स आ रहे होंगे। तो जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, फिर दोबारा बता देता हूं, ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें ये एक्स और ये वाई, ये तो वेरिएबल्स हैं ए बी एंड दिस सी, ये तीनों की तीनों हमारे कॉन्स्टेंट है। ए बी सी तो हमारे कॉन्स्टेंट हैं और वेरिएबल आ रहे हैं दो। अगर क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं इसलिए हमने यहां पे लिखा है टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है ये। अब लीनियर क्यों लिखा है हमने? क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी जो हाइएस्ट पावर आ रही है वो वन आ रही है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वन आए तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी लीनियर होगी। और हमने सिक्स क्लास में अगर याद करें तो हमने ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी एक, इस इक्वेशन को क्या नाम बोलेंगे? कोई भी बच्चा एक माइक ऑन करके बताओ। ax plus linear equations in sir, linear equations in one sir, linear equation in one variable. Very good, very good. क्या नाम है बेटा आपका? सर अखिलेश शर्मा। अखिलेश ने, सर अखिलेश शर्मा, अखिलेश ने एकदम सही बताया है। इस इक्वेशन को जो मेरी ax plus b equal to zero लिखी है, इस इक्वेशन को बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो वन वेरिएबल तो लगभग लगभग सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। वन वेरिएबल का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कितना आ रहा है? एक, इसलिए इसको हमने बोल दिया वन वेरिएबल। इसके अंदर वेरिएबल कितने आ रहे हैं हमारे? दो, इसलिए हमने इसको बोल दिया दो वेरिएबल। अब सवाल उठता है लीनियर क्यों बोल रहे हैं इसे? यहां पर लीनियर इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल, किसकी पावर? वेरिएबल्स की। वेरिएबल की जो पावर है और वो भी मैक्सिमम क्या है? वन। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया था बेटा? लीनियर। यहां पर भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन है, इसलिए मैंने इसको भी क्या बोल दिया बेटा? लीनियर। क्या बोल दिया मैंने? लीनियर। अब ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया? किसी बच्चों को इस पे समझ आ गया था जी? चलिए
अब मैं एक दो एग्जांपल पूछूंगा, मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा वो बताएगा। बता दो। मैं नाम बताऊंगा, दिख तो रहा होगा 3x + 4y = 0। मैं यहां से नाम बोलूंगा, वो बच्चा माइक ऑन करेगा, वो बताएगा। चलिए सबसे पहले शशांत माइक ऑन करो बेटा। यस सर। बेटा ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके बेटा ओके। इस शशांत ने बताया ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो बात समझ में आ रही होगी सबको। टू वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि यहां पे वेरिएबल आ रहे हैं मेरे दो, एक एक्स और एक वाई, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टू वेरिएबल। अच्छा लीनियर क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है मेरी, वन। देखो एक्स की पावर वन है इधर, वाई की पावर वन है। एक्स की पावर वन लिखूं मैं या केवल एक्स लिखूं, टेक्निकली दोनों का मतलब सेम है। वाई की पावर वन लिखूं मैं या केवल वाई लिखूं, टेक्निकली दोनों का मतलब सेम है। आया आई बात समझ में बेटा? अब मैं दूसरा yes. एक को एग्जांपल और पूछ रहा हूं, मैं नाम लूंगा बच्चे का, वो बताएगा। तैयार रहे सारे बच्चे? एग्जाम्पल नंबर टू, दिस इज वन। देखिए बेटा चलिए बेटा ओम दत्त, ये ओम करके आ रहा है बेटा, माइक ऑन करो। ओम ओम करके बेटा जिसका नाम है वो माइक ऑन करो बेटा, मेरे हिसाब से ओम दत्त होगा ये। माइक ऑन करो बेटा। चलो कोई बात नहीं, राजीव बेटा माइक ऑन करो। यस सर। बताइए बेटा ये कौन सी इक्वेशन है, सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन क्यूबिक फॉर्म है? सर ये लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ जी सर। चलो राजीव बता रहा है बेटा इसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राज माइक ऑन करो। बेटा राजीव ने सही बताया है, आप भी इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल रहे हो? यस सर। बोलना चाहते हो लीनियर इक्वेशन? सर लीनियर टू वेरिएबल में ही है सर ये। नहीं टू वेरिएबल में तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इसको लीनियर बोलेंगे? क्या इसको हम लीनियर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोलिए बेटा। सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। चलो भाई राज कह रहा है कि बोल सकते हैं। राकेश माइक ऑन कर। राकेश यस सर। यस सर। क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलोगे या कुछ और बोलोगे इसे? सर यही बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। नो सर। चलो बताओ क्या बोलेंगे फिर, लीनियर नहीं बोलेंगे तो?
सर कन्फॉर्मल इक्वेशन इन टू वेरिएबल दोबारा बोलो सर कन्फॉर्मल इक्वेशन इन टू वेरिएबल अच्छा अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं कार्तिके माइक ऑन करो कार्तिके बेटा मेरे बात सुनना है माइक ऑन करो कार्तिके मुझे लग रहा है ये सुन नहीं पा रहा है यश कुमार माइक ऑन करो सर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चलो कोई बात नहीं क्रिश माइक ऑन करो क्रिश बेटा माइक ऑन कर अमित कुमार माइक ऑन कर सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओके रिहान माइक ऑन कर अरवाज सैफी माइक ऑन करो बेटा अनिकेत सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओके बेटा ओके अंकित दुबे माइक ऑन करो बेटा अंकित को दुबे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हाँ बेटा कमल माइक ऑन कर नहीं पा रहा ये चलिए बेटा इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही बोलेंगे अब लीनियर क्यों बोलेंगे इसको क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट वन है हमें कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी हमें केवल वेरिएबल की पावर देखनी है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे और टू वेरिएबल दिख ही रहे हैं हमें चलिए अब इसके बाद आता है बेटा हमारा एक्स वो टाइप नंबर वन ग्राफ बनाना देखो नाइन्थ क्लास में भी हमने ग्राफ बनाना सीखा था और वो भी टू वेरिएबल वाली इक्वेशन का ही सीखा था नाइन्थ क्लास में क्या होता था एक इक्वेशन दी हुई होती थी हमें टू वेरिएबल वाली और उसका ग्राफ बनाते थे हम अब क्या करना है दो इक्वेशन दे रखी होंगी और दोनों को एक ही ग्राफ में बनाना है इक्वेशन को बस इतना अंतर है अब मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं ग्राफ बनाने का वैसे मैंने नाइन्थ क्लास में बताया था आपको और वीडियो भी डाल दूंगा मैं आज यूट्यूब पे जो मैंने बना रखी थी उसको आपको कॉपी में नोट करना है और नोट करते समय मैं बेटा देख रहा था बहुत से बच्चे केवल नोट कर देते हैं वो डेट वगैरह नहीं डालते बेटा डेट भी डालनी है और उसके बाद नोट करना है और उसके बाद व्हाट्सएप होमवर्क वाले ग्रुप पर भेजना है चलिए देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं एक एग्जांपल आज अब करा देते हैं बाकी और रिलेटेड वीडियो डाल देंगे मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दे रखी है हमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं हमें इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और वो भी एक ग्राफ पर बनाना है
दोनों इक्वेशनों को ड्रॉ करना है और उसके बाद वो भी एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ट्वेल्व। सबसे पहले मैंने x की जगह जीरो रख दिया। अगर मैं यहां पर x की जगह जीरो रख दूंगा, ये जो है यहां पर x की जगह जीरो रखूंगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इक्वेशन है हमारी 3x प्लस टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व। मैं रख के दिखा देता हूं, अगर मन करे तो इस स्टेप को गोल्ड कर सकते हो आप। जीरो का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो प्लस करेंगे तो टू वाई, और वाई की वैल्यू आ गई हमारी सिक्स। जब मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रखी थी तो वाई की वैल्यू सिक्स आई। कोऑर्डिनेट हमेशा लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है और वाई की वैल्यू बाद में, ये हमेशा याद रखना है। बहुत सारे बच्चे उल्टा लिख देते हैं इसे, कभी x की वैल्यू पहले लिख देंगे, कभी y की वैल्यू पहले लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में। अब हम सेकंड केस में y की जगह जीरो रख देंगे। इसी इक्वेशन को दोबारा से उतारेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही रख रहा हूं बेटा मैं, अभी सेकंड इक्वेशन को नहीं छेड़ा मैंने। एक मिनट शायद चेक करता हूं, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट इक्वेशन ये। चलिए अब y की जगह जीरो रखते हैं हम, जीरो का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाता है, जीरो को यदि किसी में प्लस करेंगे तो उतना ही आ जाता है। x की वैल्यू यहां से आ गई हमारी फोर। देखो बेटा x की वैल्यू हमारी 4 आई है, कब आई है, जब y की जगह मैंने 0 रखा। लिखना हमेशा x को पहले और y को बाद में। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे x 4 है और y की वैल्यू 0। अब इसके बाद इसकी बना देते हैं हम टेबल। टेबल इस तरह से बनाएंगे, इस टेबल के अंदर तीन तो कॉलम होंगे और दो रो होंगे, एक पर x एक पर y लिख दिया। जब फर्स्ट केस में मैंने x की जगह जीरो रखा था तो y की जगह सिक्स आया था। दूसरे केस में जब मैंने y की जगह जीरो रखा था, देखो y की जगह जीरो रखा तो y वाले कॉलम में लिखना है, तो y की जगह जीरो रखा था तो x की वैल्यू आई थी मेरी फोर। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये मेरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और ये सब ग्राफ पेपर पे बनाकर कॉपी में चिपकाकर उसके बाद फोटो खींच के भेजने हैं मुझे। बाजार से जाके ग्राफ कॉपी ले आना, ग्राफ कॉपी पर ग्राफ बनाओगे, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये सारा तो आप कॉपी पे कर लोगे सिंपल में, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये जो ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ पेपर पे बनाओगे। तो फर्स्ट केस में देखा x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू सिक्स है, तो y की वैल्यू सिक्स देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये वैल्यू हो गई x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू सिक्स। दूसरा पॉइंट है x की जगह 4 तो y की जगह 0, x की जगह 4 y की जगह 0। हम इस तरह से इन दोनों पॉइंटों को पकड़कर स्केल से जोड़ देंगे और जैसे ही फर्स्ट लाइन पूरी हो जाएगी तुरंत इस लाइन के ऊपर इस जगह पर इक्वेशन लिख देंगे, जिससे कि ये कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशन है, क्योंकि दो इक्वेशन दो लाइन बनानी है हमें। ये तो अभी फर्स्ट वाली लाइन बनी है हमारी, यहां तक नोट कर लो सभी बच्चे जल्दी से।
सर सर एक बार ऊपर कर दीजिए नीचे ओके ओके ये लो बेटा ठीक है पूरा आ रहा होगा अब ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा मोबाइल में सर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ओके बेटा सर मेरा नेट नहीं चल रहा आज अब बता बेटा मैं क्या करूं सर सर मैं कल ना वीडियो देख लूंगा इसका चलो देख लीजिए हेलो सर जी हेलो हेलो सर जी हाँ बोलो बेटा सर जी एक बार जो आपने ग्राफ बनाया एक बार फिर से समझा दीजिए कौन सा वाला जो सर जी आप जो ग्राफ बनाए अभी वो वाला फिर से समझा दीजिए एक बार मैं पूरा बता दूंगा पहले उतार ले उतार ले अभी बता सर उतार लिया अभी और बच्चों को उतारने देगा चलिए देखिए ये ग्राफ को दोबारा से देख लीजिए मैं देख रहा हूं कि कहीं ग्राफ पेपर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है इसमें आता तो था ये ग्राफ पेपर मिल गया हमें इस पे बनाने में थोड़ा आसानी रही हो गया सर हाँ बेटा कोई बात नहीं एक बार ग्राफ बनाना पूछ रहा था एक बच्चा उसे दोबारा बता ये थोड़ा थोड़ा ग्राफ पेपर टाइप का दिख रहा है आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो आपके मोबाइल में दिख पा रहा है ग्राफ पेपर या नहीं दिख पा रहा दिख रहा है चलिए इसी पे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है मान लीजिए साइज फिक्स कर लेते हैं पहले इस ग्राफ पेपर का मान लो इतना बड़ा पेज है हमारा ग्राफ का ठीक है
अब देखिए हमने क्या किया, एक हॉरिजेंटल लाइन खींच ली और एक वर्टिकल लाइन खींच ली। ये हमने स्केल की मदद से हॉरिजेंटल लाइन खींची और ये हमने वर्टिकल लाइन खींची। स्केल की मदद से खींचेंगे तो एकदम करेक्ट लाइन आएगी, ठीक है। अब देखिए हॉरिजेंटल लाइन को मैंने एक्स बोल दिया और वर्टिकल लाइन को मैंने वाई बोल दिया। अब मैंने यहां पर देखा जो एक्स की वैल्यू आ रही है मेरी, एक तो जीरो आ रही है और एक आ रही है मेरी फोर, तो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू क्या है, फोर। तो मतलब प्लस फोर हमारा दिखना चाहिए इसके अंदर। तो हमने क्या किया, इसको वन टू थ्री फोर ये काउंटिंग लिख दी थी हमने, इस काउंटिंग को लिख दिया, दिस इज वन टू थ्री फोर। और ऐसा नहीं है फोर तक ही लिखे, फाइव सिक्स आगे तक भी लिख सकते हैं। और अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे बेटा, अब वाई एक्सिस में अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस के, और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये माइनस के। अगर एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन नहीं भी हो रहा और केवल हम ये डायग्राम बना के आ जाएंगे तो हाफ मार्क्स हमें मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। हमने देखा था y की मैक्सिमम वैल्यू हमारी सिक्स तक आ रही थी, हमारा यहां फोर तक लिखा है, तो कोई नहीं इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर आपके पेपर में इसे बढ़ाने की गुंजाइश ना हो तो हम क्या कर रहे हैं, दो दो का इंटरवल ले लेंगे, पांच पांच का इंटरवल ले सकते हैं, दस दस का इंटरवल ले सकते हैं। मतलब हमें तो वो वैल्यू को शो करना है ग्राफ के अंदर, इंटरवल जो मन करे वो ले लेना। इंटरवल ऐसा भी कर सकते हैं हम, एक्स एक्सिस में कुछ अलग ले लिया जाए और वाई एक्सिस में कुछ अलग लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहां तो हमने एक्स एक्सिस पर तो वन टू थ्री ले लिया और y एक्सिस पर हमने 10, 20, 30, 40 इस तरह का ले लिया। जिस तरह की हमारी वैल्यूज निकल के आती हैं उसी तरह का हम इंटरवल ले लेते हैं। अब इसके बाद देखा फर्स्ट केस, हमने फर्स्ट केस के अंदर x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू सिक्स आ रही है। x की वैल्यू जीरो यहां पे होगी और y की वैल्यू सिक्स हमारी यहां पे होगी, तो पॉइंट बन गया हमारा यहां पर। इसके बाद सेकंड वाला देखा हमने, एक्स की वैल्यू फोर आ रही है और वाई की वैल्यू जीरो, देखो वाई की वैल्यू जीरो तो इस जगह पे होगी और एक्स की वैल्यू फोर हमारी इधर होगी। स्केल से पकड़कर हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और जैसे ही हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तुरंत की तुरंत इसकी इक्वेशन हम लिख देंगे इस लाइन के ऊपर, जिससे ये फिक्स हो जाए कि इस लाइन की ये इक्वेशन है। इतनी बात आ गई बेटा समझ में? यस सर। चलिए अब देखिए, अब दूसरी लाइन को भी बनाते हैं इसी ग्राफ में। तो पहले दूसरी लाइन को सॉल्व कर लेते हैं हम। दूसरी लाइन की हमारी इक्वेशन थी ये 2x plus 3y equal to 6, 2x plus 3y equal to 6। अब वही काम, सबसे पहले मैंने x की जगह 0 रख दिया, इक्वेशन को दोबारा से उतारा, x की जगह 0 रख दिया, ये टू का जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया, थ्री वाई इक्वल टू सिक्स हो गया और वाई की वैल्यू मेरी टू आ गई। सेम कंसेप्ट, जब मैंने एक्स की जगह जीरो रखा
तो मेरी y की वैल्यू 2y, लिखेंगे x की जगह 0 तो y की वैल्यू 2। इसमें जब भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हमेशा x को पहले लिखेंगे और y को बाद में, चाहे निकला कोई सा भी पहले हो कोई सा बाद में। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, y की जगह 0 रख देंगे। इक्वेशन दोबारा से उतारी, y की जगह 0 रखा, जीरो का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2x में 0 प्लस करेंगे तो 2x, ये हो गया हमारा 3। देखिए x की वैल्यू यहां पे 3 आ रही है, जब y की वैल्यू क्या रखी थी, 0। देखो रखी मैंने y की वैल्यू थी इस केस में, लेकिन लिखूंगा हमेशा x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, तो x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में। अब इसका भी ग्राफ बना देते हैं, पहले सॉरी टेबल बना देते हैं। टेबल के अंदर 3 कॉलम आने हैं और 2 रो आने हैं, ये x हो गया और ये मेरा y। जब फर्स्ट केस में x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमारी 2 आई थी, देखो इसे येलो कलर कर दिया मैंने, y की जगह क्या आया था मेरा 2। जब x की वैल्यू मेरी 3 थी तो देखो y की जगह 0 आ रहा था, तो x की वैल्यू 3 थी तो y की जगह 0 आया। अब इसको भी इस टेबल के आधार पर जो ग्राफ बनेगा हमारा वो पहले वाले पेपर में ही बनेगा, चेंज नहीं कर सकते पेपर। तो इस टेबल को मैं यहां से निकाल के ऊपर उठा देता हूं, जहां पे मुझे ग्राफ बनाना है वहीं पे ले गया भाई, थोड़ी सी छोटी कर दी इसे। अब देखिए x की जगह 0 है तो y की जगह 2 आ रहा है, x की जगह 0 ये रहा और y की जगह 2 आ रहा है, तो y की जगह 2 आ रहा है तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये बात रेड कलर पिंक कलर से डिसाइड कर दिया। इस केस में देखिए x की जगह 3 है तो y की जगह 0 है, x की जगह 3 है y की जगह 0 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं जो हमारे इन दोनों पॉइंट से जा रही है, और सीधी लाइन खींचेंगे, हो सकता है ये एक दूसरे को काट के भी जा सकते हैं। तो ये लाइन हमारी खिंच गई, इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे हम यहाँ पे, दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इतना काम आपको 10th क्लास के अंदर करना है ग्राफ में। 9th क्लास में जब भी मैंने क्लास ली थी, जब भी बताया था मैंने कि 9th क्लास में तो ग्राफ आएगा ही आएगा और 10th क्लास में भी 100% आएगा, बस अंतर केवल इतना है 10th क्लास में 2 इक्वेशन आ गई, 9th क्लास में 1 इक्वेशन। इस तरह से हमें ग्राफ को करना है। अब देख लीजिए आप, नोट कर लो बेटा, अगर दोनों इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे को काट दे कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं, उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, काट दे ना काट दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो केवल ग्राफ बना के दिखाना है उसे। ओके सर। सर हमें एग्जाम में भी खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा ये?
क्या चीज ग्राफ? हाँ जी सर। हाँ ग्राफ तो खुद ही ड्रॉ करना है, इसी के तो नंबर मिलेंगे आपको। ओके सर। नहीं जैसे जो सर, पहले स्कूल में मिलता है मिलेगा उसमें बनाना है? नहीं बेटा स्कूल में तो खाली ग्राफ ही तो मिलता है। हाँ जी वो तो मिलता है। अबे भाई ड्रॉ तो तू ही करता है, ड्रॉ तो खुद ही करना पड़ेगा बेटा। हेलो सर। सर अभी आप कह रहे थे वो जो अगर ये दोनों लाइनें आपस में काटने वाला ग्राफ बनाना होगा तो वो सर उस ग्राफ का आंसर हो जाता था ना, जहाँ जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें आपस में काटती है। हाँ बेटा मैं कह रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा, पहले इतना कर लेते बच्चों को। कर लिया सर। ये तीन केस बनते हैं इसके, तीनों केस। यस सर एक्सप्लेन करूंगा मैं। तीनों अलग अलग इक्वेशन से करते हैं। हाँ अभी मैं तीनों केस बताऊंगा, रुक जा। जी सर। तो ठीक रहेगा, अगर बीच बीच में करेंगे तो फिर क्या होगा कि कोई चीज रह जाएगी और वही मान लो एग्जाम में आ गई तो बढ़िया नहीं लगेगा मुझे भी कि मैंने कराया नहीं था ये। जी सर। नोट करो बेटा जल्दी से। बेटा ग्राफ बनाना सभी बच्चों को आ गया? यस सर। अगर किसी बच्चे को ग्राफ बनाने में परेशानी है तो अपना माइक ऑन करके पूछ ले। क्या किसी बच्चे को अगर परेशानी है तो अपना माइक ऑन करो बेटा, देखें क्या परेशानी आ रही है। किसी का भी माइक ऑन नहीं है इसका मतलब किसी को परेशानी नहीं है। चलो बेटा अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। सबसे पहले एक इक्वेशन का ग्राफ बनाओ सारे बच्चे, जल्दी से बनाओ और जिसका बन जाए वो बता, माइक ऑन करके बताना मुझे। सर बन गया ग्राफ, तैयार हो गया? यस सर। ऐसा करो अपना वीडियो ऑन करो। जी सर। नाम बताओ। क्या नाम बेटा? सर अंकित। अंकित एक मिनट मैं चेक करूं। वीडियो ऑन कर बेटा, अभी वीडियो तो ऑन नहीं हो रहा। कर लिया। हाँ, अब पता है इसको क्या करना है आपको? जब आप इसको क्लिक करोगे ना ऐप को,
आपको उसमें पूछेगा कि बैक वाले कैमरे से फोटो खींचना है या फ्रंट वाले से करना है। देखो जरा उसमें ये ऑप्शन आ रहा होगा। सर हो गया राकेश कुमार, एक मिनट बैक, एक मिनट में बड़ा करके देखता हूँ उसका। ठीक है बेटा तेरा सही है अंकित। अंकित बंद करके बेटा हमको सर हो गया राकेश, जल्दी से दिखाओ। हाँ बेटा जैसे अंकित ने दिखाया वैसे ही दिखाओ। कैमरे से दिखाओ बेटा इसे, वीडियो ऑन करो पहले और उसे वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा राकेश। हेलो आवाज आ रही है राकेश? हाँ अब हुआ। नहीं नहीं ये तो डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लग रहा है। चलिए और किसी बच्चे का हो जाए तो वो दिखाना वीडियो में। मेरा नाम बता देना जिससे मैं भी एनलार्ज कर दूं उसकी स्क्रीन को। सर राकेश कुमार, राकेश कुमार दिखाओ बेटा वीडियो दिखाओ। अपने वीडियो बेटा तो मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे, क्या दिक्कत है? एनलार्ज नहीं हो रहा। तुमने कैमरा कौन सा वाला ऑन किया है, फ्रंट वाला या लास्ट वाला, बैक वाला? बैक वाला किया है, दिख नहीं रहा बेटा। एक मिनट मैं इसको कैंसिल आउट करके देखूं। अर्जी हो गया अखिलेश शर्मा। अभी रुक जा बेटा पहले इसका देख लूं, एक एक करके देखे ना इसका क्यों नहीं दिख रहा। अब दिखाना राकेश। हाँ अब दिखा, रुक जाओ रोक के रखो रोक के रखो, एक मिनट मैं पिन कर देता हूँ तेरा। राकेश कुमार यस ठीक है बेटा राकेश। अब इसके बाद कौन था, अखिलेश दिखाओ बेटा। अखिलेश देख नहीं पा रहा बेटा मैं। अखिलेश कैमरा ऑन नहीं किया तुमने, अभी इसमें कैमरा ऑफ दिखा रहा है मेरे में तो। जी बैक कैमरा सर। नहीं कोई बात नहीं, फ्रंट से कर दे दिख जाएगा मेरे को। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया उससे लार्ज हो जाता है, दिख जाएगा मुझे। अभी तक कैमरा ऑन नहीं दिखा रहा आपका। नहीं फिर भी ऊपर। यस 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 हुआ। लेकिन अभी फोटो नहीं आ पा रहा मेरे पास। कैमरा तो ऑन हुआ तुम्हारा, अब ऑफ हो गया। अखिलेश नहीं देख पा रहा बेटा मैं। सर जी हो गया, दिखाओ बेटा राजीव। जी सर दिखाते हैं। थोड़ा सा कॉपी कट रही है बेटा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर लो। राजीव दोबारा दिखाओ। यस यस ठीक है बेटा, सही है राजीव आपका। थैंक यू सर। ओके सर हो गया अच्छा शांत।
दिखा बेटा फाइव फाइव ठीक है बेटा सही है बढ़िया बना है। चलो लगभग इसके बेस को क्या बच्चों को समझ में आ गया कौन बताओ क्या कह रहा बेटा सर नहीं कट रही है बेटा आवाज कट रही है दोबारा बता क्या क्या कह रहा है बेटा प्लीज फोटो खींच के भेज दो क्या फोटो पिक नहीं देख नहीं पा रहा बेटा मैं अखिलेश सर हो गया रिहान रिहान दिखा बेटा रिहान सर हो गया अमित कुमार अभी रुक जा बेटा रिहान का देख लूं पहले ठीक है बेटा रेहान देखा बेटा अमित कुमार बेटा काम को देखा बैक कैमरा कर भाई नहीं अगर हाँ अब आया फाइव फाइव ठीक है बेटा सही है अब बस केवल अंतर इतना है अब हमने एक ग्राफ के ऊपर एक इक्वेशन को बनाया अब आगे हम क्या करेंगे जो दूसरी इक्वेशन दे रखी होगी उसको भी हमें इसी ग्राफ पे सेट करना है बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है नाइन्थ क्लास वाला कंसेप्ट और टेंथ वाले में केवल मैंने मोटा मोटा अंतर बता दिया आपको चलिए अब मैं कह रहा था मैं तीन कंसेप्ट और सिखा रहा था आपको इन लाइन के बारे में देखिए बेटा लाइन से हमें तीन फॉर्म तीन तरह की लाइन आ सकती हैं एक लाइन आ सकती है हमारी दोबारा बोलो इस तरह की फॉर्म में लाइन आ सकती है इसे बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन इन सबके नाम याद करने बेटा हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को काटे सर जी काटे ऐसे भी सकती है क्या कह रहे बेटा सर जी दीदी का फोन आ गया था एक बार दोबारा बता दीजिए मैं केवल ये बताया तुझे कि भाई एक तो होती है हमारी फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं काट रही होती हैं तो उन्हें बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी में बोलते हैं इनको प्रतिच्छेद रेखा प्रतिच्छेदी रेखा ठीक है सेकंड तरह की जो लाइन होती है हमारी वो होती है एक लाइन दूसरे लाइन के समांतर चले समांतर ऐसे भी चल सकती हैं ऐसे भी हो सकता है
ऐसे भी हो सकता है, ये सभी तीनों फॉर्म मेरी समांतर लाइन की है। तो एक हो सकती है हमारी पैरेलल लाइंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और हिंदी में बोलते हैं इनको पैरेलल लाइंस को बोलेंगे बेटा। कोई बच्चा जिसको शब्द याद हो, समांतर रेखा इसको बोलते हैं समांतर। और तीसरी फॉर्म जो होती है मेरी वो होती है एक लाइन ये आ रही है हमारी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए एक्यूरेट ऊपर, ये ब्लू वाली लाइन हमारी रेड वाली लाइन के ऊपर आ गई, तो इनको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। तो ये तीन तरह की फॉर्म बन सकती हैं हमारी ग्राफ में। तो लास्ट में वो हमसे एक नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये जो लाइन बनी है ये कौन सी टाइप की लाइन बनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनी है, पैरेलल लाइंस बनी है, या कॉन्सिडेंट लाइन बनी है। तो कॉन्सिडेंट लाइन में क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाती है। इतना कंसेप्ट हमें एक्सरसाइज 3.1 में सीखना है। 3.1 के अंदर क्या है, जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो लैंग्वेज फॉर्म में दे रखे हैं। तीन क्वेश्चन है आपके, तीनों की सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, और जैसे ही आपकी इक्वेशन बन जाएगी तुरंत की तुरंत हमें इसके ग्राफ बना देना। तो आपको घर पे इसकी इक्वेशन बना के देखनी है, उसके बाद इसके ग्राफ बनाने हैं, और ये तीनों क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस होंगे उन्हें फोटो खींच के होमवर्क वाले ग्रुप पे सेंड करना है। साथ में अभी 5 मिनट के अंदर ही मैं एक वीडियो डाल दूंगा ग्रुप पर जिसमें हम ग्राफ के बारे में बता रखा है, उस वीडियो को देखना है, कॉपी में नोट करना है, फोटो खींचना है और होमवर्क वाले ग्रुप पे सेंड करना। ये ध्यान रख लेना, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, डेट हमेशा डाल के भेजनी है, अगर डेट नहीं डालोगे तो नहीं माना जाएगा काम। चलो अच्छा, एक प्रॉब्लम और आ रही थी, कुछ बच्चे बेटा अलग अलग मोबाइल से भेजते हैं काम, तो सारे मोबाइल मेरे पास सेव नहीं है आपके, ठीक है, तो इसलिए जब भी काम भेजो तो काम के नीचे अपनी क्लास कि 10th A, 10th B, 10th C कौन सी है और नाम अवश्य भेजो। ओके बेटा, किसी को कोई परेशानी तो पूछ लो। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके बेटा, ओके, चलिए गुड नाइट, और मैं अभी 5 मिनट के अंदर वीडियो भेजता हूँ बेटा, ठीक है, मन करे जब देख लेना, शाम तक 5 बजे तक भेज दिया करो मेरे पास काम। चलिए ओके बेटा, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।